शौच करें शौचालय में। हे भगवान, यहाँ भी चैन नहीं है, देर हो रही है, स्कूल जाना है ना? नहीं अम्मा, चलो स्कूल जाने का बहाना नहीं, चलो। हाथ धोने का गलत तरीका। हाथ धोने का सही तरीका, हमेशा साबुन लगाकर, हथेलियों को मलें, उंगलियों के बीच, अंगूठों पर, नाखूनों के अंदर, हथेलियों के धारियों पर, कलाइयों के चारों तरफ। क्या बात है शांति, तुमने यश के हाथ बिल्कुल सही तरीके से धोए हैं। जी आशा दीदी, सिर्फ यश ही नहीं, हमारा पूरा परिवार साबुन से और सही तरीके से हाथ धोता है। अरे वाह, बहुत अच्छी बात है। गुड्डू की मम्मी, साबुन से हाथ तो धो लो। हम तो हाथ धो चुके हैं। अरे खाली पानी से हाथ धोने से कीटाणु हाथों में ही रह जाते हैं, इसलिए उन्हें साबुन से मलकर अच्छी तरह धोना चाहिए। हम तो हमेशा से ही ऐसे हाथ धोते हैं, आज तक तो कुछ ना हुआ। चल गुड्डू। गुड्डू की माँ, गुड्डू तैयार नहीं हुआ? आज गुड्डू स्कूल नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि वो बहुत बीमार है। बीमार? अगर साबुन से हाथ धोने की आदत डालते तो आज तुम्हारा बेटा बीमार नहीं होता। हमारे हाथों में लगे कीटाणु इतने छोटे होते हैं कि हम उन्हें नंगी आंखों से देख नहीं पाते। जब हम साबुन से और सही तरीके से अपने हाथों को साफ नहीं करते तो यही कीटाणु हमारे हाथों से खाने के साथ हमारे पेट में चले जाते हैं। गलत तरीके से साफ सफाई से कई जानलेवा बीमारियां जैसे डायरिया, पोलियो आदि फैलती हैं। यही नहीं, बच्चों को शौच खुली जगह पर नहीं करना चाहिए, इसके लिए हमें शौचालय का इस्तेमाल करना चाहिए। बच्चे की टट्टी साफ करने के बाद हाथ अच्छी तरह साबुन और पानी से धोने चाहिए। हमने तो अपने हाथ धो लिए, क्या आपने धोए? हम सबको शौच के बाद, खाना बनाने और खाना खाने से पहले, बच्चे की टट्टी धोने के बाद भी साबुन और पानी से अच्छी तरह हाथ धोने चाहिए। अगर हम अपने हाथों की सफाई साबुन और पानी से अच्छी तरह नहीं करते हैं तो हम गंभीर बीमारी के शिकार हो सकते हैं। शौच हमेशा शौचालय में ही करें, खुली जगह पर नहीं। याद रखें, जरा सी साफ सफाई से आप और आपका परिवार रह सकता है हमेशा स्वस्थ और बीमारी से मुक्त।